नए वेतनमान के एरियर पर नया अपडेट। एरियर को लेकर जागी सरकार। इस दिन एरियर को लेकर होने जा रही है अहम बैठक। काफी समय से नए वेतनमान के एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हिमाचल में भी पंजाब का वेतनमान लागू किया जाता रहा है। तो ऐसे में नए वेतनमान के एरियर को लेकर जो भी खबर पंजाब से निकलकर सामने आ रही है, उससे हिमाचल के कर्मचारियों को भी लाभ होगा। दरअसल पंजाब सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देने पर विचार होगा। चूंकि अगले साल चुनाव है और साथ ही साथ दिवाली का समय भी नज़दीक है, तो ऐसे में पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर देने पर विचार कर रही है। इसके लिए पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि आने वाले 23 अक्टूबर को नए वेतनमान के एरियर पर एक बैठक की जाएगी। इसमें ये फैसला लिया जाएगा कि पंजाब के कर्मचारियों को कितना एरियर दिया जा सकता है। चुनावी वर्ष और दिवाली को देखते हुए पंजाब सरकार एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर बात की जाए डीए की, तो पंजाब के कर्मचारियों का भी हिमाचल की तरह 12% डीए बकाया हो गया है, जहां केंद्र ने अभी हाल ही में 4% डीए की अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों को दिवाली से पहले खुश कर दिया है। उसी तरह से पंजाब सरकार भी नए वेतनमान के एरियर और डीए पर कुछ ना कुछ फैसला इस बैठक में ले सकती है। यदि इस बैठक में कोई फैसला होता है तो इसका लाभ हिमाचल के कर्मचारियों को भी मिल सकता है, क्योंकि हिमाचल में भी नए वेतनमान के लिए पंजाब को फॉलो किया जाता रहा है। उम्मीद है कि 23 अक्टूबर की इस बैठक से ज़रूर कुछ अच्छा निकल कर सामने आएगा, जिसका लाभ पंजाब व हिमाचल के कर्मचारियों को मिल सकेगा। इसलिए 23 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक को पंजाब के साथ हिमाचल के कर्मचारी भी टकटकी लगाए बैठे हैं। उम्मीद है इस बैठक से कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर सामने आएगा और दिवाली से पहले पंजाब व हिमाचल के कर्मचारियों को मिलेगा।